महाराज के बढ़ने बताते हैं। देखिए राहुल जी की सोच है जो भी ऐसे हमारे अमेठी की पहचान पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं या हमारे अच्छे मदरसे हैं, उन सब के लिए राहुल जी की ओर से प्रकाश की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और वहाँ पर उसका एक अच्छा विकसित स्वरूप आए, इसके लिए वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। हमारे अमेठी जनपद में तमाम ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो देश और प्रदेश स्तर पे उनका पहचान है और बहुत ही पुराने धार्मिक स्थल हैं, तो उन सब जगहों पर सोलर लाइट के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था, कहीं पर टिन शेड दे करके वहाँ जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, तो ये एक सोच है कि क्षेत्र में सब अच्छे से ऐसे स्थानों को पूरा जीर्णोद्धार करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। राहुल जी इसके लिए प्रयासरत है। मदरसे भी जो अच्छे चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोग सोलर लाइट पेयजल दे रहे हैं। यह हिंदू ट्रम्प कार्ड नहीं है। राहुल गांधी और गांधी परिवार हमेशा अमेठी सहित पूरे देश के हितैषी रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ के जो पौराणिक स्थल है, चाहे अमेठी विधानसभा के संग्रामपुर ब्लॉक कालकन भवानी मंदिर हो, गौरीगंज का दुर्गम भवानी मंदिर हो, शायेगढ़ का कामसरियन भवानी मंदिर हो, गढ़ा माफी का जो हनुमान जी का विशाल मंदिर बना है, वहाँ पर सामुदायिक भवन और सोलर लाइट, ये सब अनवरत चल रहा है विकास राहुल गांधी की ओर से। ये उनका केवल ढकोसला है और कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल के लगभग इन 15 वर्षों में कोई काम तो किया नहीं, कोई विकास काम नहीं किया और अब केवल हिंदू कार्ड खेलने के लिए वो मजबूर हो गए हैं और उन्होंने इसी कारण से मंदिरों के लिए और कुछ संस्थाओं के लिए सोलर लाइट दिया है। वो 2019 के चुनाव को ध्यान में रख के काम करते हैं राहुल गांधी जी, इसके पीछे तो कोई काम किया नहीं, इसलिए उनका ये काम जो है, जो सोलर लाइट देने वाला काम है, ये राजनीति से प्रेरित है।